आजमगढ़ के मोहम्मदपुर में संदीप ट्रांसपोर्ट का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मुख्य अतिथि रहे राम अकल यादव ने कहा कि पूरे पूर्वांचल में कई लाख ट्रक हैं। अन्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र से भी जनपद में बहुत से ट्रक आते हैं। ट्रांसपोर्ट के अभाव में ट्रकों की लोडिंग में काफ़ी समस्या होती है, जिसमें ट्रक मालिक से लेकर ट्रक ड्राइवर का भारी नुकसान होता है, उनका ईंधन भी नष्ट होता है। इन समस्याओं को देखते हुए आज हम मोहम्मदपुर मार्केट में संदीप ट्रांसपोर्ट कंपनी की नींव रख रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम यहां से बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था देने में आगे रहेंगे। आजमगढ़ से ब्यूरो हेड मनोज कुमार की रिपोर्ट। हम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है इनकी, जो हमारे उद्घाटन में आप लोग उपस्थित हुए हैं, बधाई के पात्र हैं आप। दूसरी बात देखिए, जो हमारा ब्रांच खुला है जी, इस ब्रांच से जैसे हमारे पास और ब्रांचें हैं, जैसे महाराष्ट्र में आल महाराष्ट्र ब्रांच हमारा, मऊ में ब्रांच है और इधर बनारस में ब्रांच हमारा है, तो जो महाराष्ट्र गाड़ियाँ आती थी उनको यहाँ बहुत दिक्कतें झेलना पड़ी, वहाँ से तो माल मिलता उनको, लेकिन यहाँ आने के बाद बेचारे परेशान हो जाते थे, माल नहीं पाते। तो यहाँ से भी हम ही लोग को फ़ोन करते हैं नागपुर में, भैया माल नहीं मिल रहा, यहाँ से भी भरवाइए। तो हम लोग का यही कारण है कि अब वहाँ भी एक ब्रांच डाल दिया गया ताकि गाड़ी वालों की परेशानी दूर हो सके। तो यही समझ करके गाड़ी वालों को बेहतर सुविधा देने के लिए, ये लोग परेशान हो, कैसी महंगाई चल रही है, डीजल पेट्रोल आप देख ही रहे कहाँ जा रहा है, भाड़ा कोई सुनवाई नहीं है, फिर भी ऐसे ऐसे लोग ट्रांसपोर्टर हैं कि जो भाड़ा भी खा जाते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हम भी हमारे पास भी गाड़ियाँ हैं, तो ड्राइवर लोग हम लोग समय से मिले रहते हैं कि इन लोग गाड़ी कैसे चलती है, उसी तरीके से हम लोग सोचते हैं कि हमसे मिल करके ये भी अपना काम करे, ये भी सही तरीके से जिए खाए लोग, इसीलिए हम लोग बेहतर सुविधा देने के लिए ब्रांच आप लोग खोला जा रहा है। होंगे जो ट्रक वाले हैं इधर, जैसे बड़ी कंपनियां नहीं, माल इधर जल्दी से उपलब्ध नहीं होता और अच्छे ट्रांसपोर्ट की सुविधा गाड़ी वालों को नहीं मिलती है, बहुत भटकते रहते हैं बेचारे, तीन तीन दिन, चार चार दिन, पाँच पाँच दिन, दस दस दिन गाड़ियाँ माल खोजते खोजते उनकी समय खराब हो जाती है, समय पर माल नहीं मिलता है, तो हम लोग उनको टाइम से माल देंगे, टाइम से भाड़ा देंगे उनका, गाड़ी वालों को बहुत आराम हो जाएगा इस एरिया में। सही ट्रांसपोर्ट गाड़ी वालों को बहुत तकलीफ हो रही थी, मतलब कि हर एक एरिया का यहाँ से अब ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलाएगा कि पार्टियों से संपर्क करेगा माल खरीदने के लिए, ट्रांसपोर्ट सही ना होने से बहुत तकलीफ हो रही थी गाड़ी वालों को, इसलिए हम उनको बहुत बेहतर सुविधा देना चाहते हैं। क्या क्या है हम ट्रांसपोर्टिंग करेंगे आप? ट्रांसपोर्टिंग मतलब यहाँ पे धान चावल यहाँ से मट्टी जाता है, और यहाँ से बनारस से, गोरखपुर से, गाजीपुर से, जौनपुर से जो जो माल निकलते हैं सभी व्यापारी हमारे संपर्क में रहेंगे, हम उनसे बात करेंगे, फिर हमें गाड़ी वालों को हम लोडिंग के लिए भेजेंगे। ये आप मुख्य कार्यालय आपका यहाँ है? नहीं, मुख्य कार्यालय हमारा नागपुर में। अच्छा अच्छा, ये उसका उप कार्यालय यहाँ पर है, ये शाखा है। अच्छा अच्छा, कितने लोगों को आप यहाँ कार्य कर रखे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं? यहाँ पे चार पाँच लोग रहे। अच्छा अच्छा, चलिए, अभी तक जैसे आपने ये सोच के रखा आजमगढ़ में न्यू की लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो अब क्या अपेक्षा रखा जाए यहाँ के? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो ट्रक वाले हैं हमारे इधर पूर्वांचल में, जो कुछ भी सरकारी नौकरी नहीं पाता वो ट्रक खरीद, सबसे आसान काम लोगों को दिखाई देता है ट्रक खरीदना, ट्रक लेके ही लोग जीवन यापन करना चाहते हैं, और ट्रक लेने के बाद भी समय से माल नहीं मिलता है, भाड़ा नहीं मिलता, बड़ी तकलीफ होती, लोग फेल हो जाते हैं, इसलिए हम उनकी तकलीफें दूर करना चाहते हैं, सही ट्रांसपोर्ट का अगर सपोर्ट मिल जाए तो उनकी तकलीफ दूर हो जाती है।